भाई काफी बच्चे काफी बाहर अनकंट्रोल हो गए हैं, तो हम लोग इवेंट कल भी करेंगे। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी आए, हम लोग भी बहुत दूर से इसीलिए आए थे, पर बाहर सिचुएशन सही नहीं हो रही है, हम लोग इवेंट कैंसिल करा रहे हैं, बहुत माफी चाहेंगे हम लोग। आप सब लोग शांत हो जाए, अलग सर्कल सेंटर पर मिलेंगे, अलग सर्कल सेंटर पर मिलेंगे। प्रॉमिस है आप सबसे मिल के जाएंगे, बच्चे सारे बच्चों से कल अलग सर्कल सेंटर पर मिलेंगे। हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यार बहुत बहुत थैंक यू, मतलब वर्ड नहीं है थैंक्स कहने को, आभार प्रकट करने को। अब आज जिस प्रकार से एक आपने प्यार दिखाया यूआईटी ऑडिटोरियम में कोटा के अंदर, जो आपने एक अलग तरह का एक इमोशन दिखाया पीडब्ल्यू के लिए, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से थैंक यू बोलें, किस तरह से आपका आभार व्यक्त करें। सोचा था बहुत से बच्चों से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, जहां भी गए आज तक हमेशा फोटो खिंचवाई है, मिले हैं, बच्चों से बातें की है। आज कुछ ज़्यादा बच्चे आ गए, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया और अच्छा लगा। इस रेवोल्यूशन में हम सब साथ हैं, बहुत से लोगों ने कोशिश की इस रेवोल्यूशन को रोकने की, ऑनलाइन में भी की थी, कोई जीत थोड़ी पाया था। बच्चों का प्लेटफॉर्म है, इसको कोई हरा नहीं पाएगा कितना भी कोशिश कर ले। इतनी गंदी बारिश हुई थी, इतना खराब मौसम था, और फिर भी बच्चे आए, और कुछ बच्चे बाहर खड़े थे बारिश में, बहुत दर्द हुआ मुझे भी देख के, हमें भी नहीं पता था इतने बच्चे आ जाएंगे, इतनी भीड़ आ जाएगी। सो बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। कुछ असामाजिक तत्व ने इवेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और जिसके चलते हम लोग को इस इवेंट को कैंसिल करना पड़ गया। सिर्फ 10-12 मिनट ही इवेंट चल पाया था, कई बच्चों को लग रहा है इवेंट हुआ है, नहीं, 10-12 मिनट के अंदर ये इवेंट कैंसिल हुआ। और जिस तरह से कई बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे कोटा तक, उसी तरह से पीडब्ल्यू की टीचर्स भी बहुत दूर दूर से आए थे, कोई इंदौर से आया था, कोई भोपाल से आया था, कोई दिल्ली से आया था, सब ट्रैवल कर करके आए थे दूर दूर से, और सभी का मन था बच्चों से बातें करने का, नहीं कर पाए हम लोग, और सभी लोग उदास है। जितना आपको दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे है, हाँ तुमसे ज्यादा दुख मुझे है जिसको तुमको दुख हो रहा है। अगर आपको पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है, तो हम लोग का ऑफलाइन सेंटर सबको पता है कोटा में कहाँ पे है। रिजल्ट से जवाब देंगे यार, इस रेवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाएगा, इस बच्चों के रेवोल्यूशन को, यूथ रेवोल्यूशन को, जब ऑनलाइन में कोई नहीं रोक पाया तो ऑफलाइन में कोई क्या रोकेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस सपोर्ट। जो बातें आज रह गई वो यूट्यूब पे करेंगे अपन, रेवोल्यूशन तो आगे लेके जाएंगे हम और आप। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।